हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ ईएमआई लोन के ऊपर। चाहे वो कोई सी भी गाड़ी हो, तो मैं यहाँ पर एक गाड़ी देने वाला हूँ जो कि सबकी फेवरेट आ रही है आजकल और उसकी काफ़ी डिमांड चल रही है। तो यामाहा MT-15 BS6 2020 मॉडल के बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो इसको समझ लीजिए पहले कि ईएमआई लोन क्या होता है। जैसे अपन कोई भी गाड़ी खरीदते हैं तो उसके अपन एक डाउन पेमेंट कर देते हैं और उसका जो अदर जो पेमेंट होता है, जितना भी डाउन पेमेंट के बाद जो भी बचता है, वो वाला बैंक के थ्रू हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं शोरूम पे। तो शोरूम पे क्या होता है कि वो ईएमआई बैंक काटता रहता है बाद में। शोरूम को तो पूरे पैसे मिल जाते हैं, लेकिन बैंक अपनों से पेमेंट लेता रहता है कुछ ईएमआई के थ्रू मंथली। तो वो हो जाता है, शोरूम को पूरा पेमेंट हो जाता है लोन के थ्रू, लेकिन अपना ईएमआई चलता रहेगा बैंक में। तो शोरूम से अपना कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, जो कि अपन अदर बैंक से ले सकते हैं, चाहे वो कोई सी भी हो सकती है, IDFC, HDFC, ICICI, SBI या फिर अदर बजाज फाइनेंस वगैरह, किधर से भी आप करवा सकते हो। या फिर जब जिस शोरूम में अगर जाते हैं तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा सिस्टम रहता है ईएमआई का, जहाँ पर वो खुद बताते हैं कि आप यहाँ से ले सकते हो। तो मैं कुछ आपको आखिरी में कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, आप उसका ज़रूर से ध्यान रखिएगा। तो आप इस वीडियो को सही से समझोगे तभी आपको पूरी प्रोसेस समझ में आएगी। तो यहाँ पर आपने देख लिया यामा MT-15 BS6 2020 के बारे में बात कर रहा हूँ। ईएमआई लोन आप किसी भी बैंक से ले सकते हो। एक दो तरीके के परसेंटेज होते हैं, एक होता है 90% और एक होता है 95%। 95% अपने लिए नहीं है क्योंकि उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लग जाते हैं जो कि अपने पास अभी अधिकतर अवेलेबल नहीं होते हैं। तो मैं बात करूँगा 90% की, ये भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब देखते हैं यहाँ पर कि बाइक का जो अमाउंट है वो आ जाता है 1,70,000 रुपये अप्रोक्स। सभी स्टेट में या फिर सभी जगह इतनी ही इस गाड़ी की प्राइस है, अराउंड 1 या 2 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है, वो डिपेंड करता है RTO चार्ज के ऊपर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि 1,70,000 बाइक का जो अमाउंट है, इसका 90% अगर अपन निकालें तो 90% होता है 1,53,000 अपने को लोन अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसको राउंड फेयर कर देता हूँ 1,50,000। यहाँ का रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा है मैंने 10%। मान लीजिए आप जहाँ से भी कुछ भी लेते हो, लोन लिया है किसी भी बैंक से या फिर फाइनेंस कंपनी से, तो वहाँ का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, 10%। ठीक है, डिपेंड करता है वो कितना भी हो सकता है उनका। अब बात करते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे आपके। दो फोटो, पासपोर्ट फोटो, सर्विस स्लिप। अब जहाँ पर भी आपकी जो लेटेस्ट जो आती है सर्विस स्लिप, जो भी आप जहाँ पर भी वर्क कर रहे हैं वहाँ की, और दो ब्लैंक चेक, और आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ। अगर आधार कार्ड में एड्रेस प्रूफ अवेलेबल है तो कोई दिक्कत नहीं, या फिर वरना वोटर आईडी, अदर चीज़ आपको देनी पड़ेगी, बिल, बिजली बिल वगैरह जो भी। तो एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, एज क्या होनी चाहिए, 21 से 65 वर्ष की आयु होनी चाहिए, इनके बीच में, इंच ना कि कम, 21 से कम भी नहीं और 65 से ज़्यादा भी नहीं, और उनकी सालाना इनकम होनी चाहिए 84,000। मतलब सालाना इनकम कितनी होनी चाहिए, 84,000 सालाना इनकम होनी चाहिए, उनको ये लोन मिल सकता है। अब क्या बात है, यहाँ पर डाउन पेमेंट की बात करते हैं। मान लिया अपन ने लोन ले लिया, 1,50,000 का अपन ने लोन ले लिया, डाउन पेमेंट कितनी होगी उसकी, 20,000 होनी है क्योंकि 1,70,000 की गाड़ी है। तो इसमें कुछ अदर चार्ज लगते हैं, जैसे मान लो कि ये जो अपना डाउन पेमेंट है इसमें ऊपर भी कुछ चार्ज लग सकते हैं, लेकिन वो चार्ज कितना प्रतिशत लगता है वो मुझे अभी अभी बैंक के थ्रू आपको पता चलेगा। तो इसमें ECS हो जाता है, स्टाम्प ड्यूटी हो जाती है, कुछ प्रोसेसिंग फीस हो जाती है। ठीक है, कुछ स्टाम्प ड्यूटी 1% लगभग है, और प्रोसेसिंग साइज 3% है, और ECS चार्ज है कुछ। तो ECS चार्ज क्या हो जाता है कि जो अपने जो पेमेंट करने की जो रहती है हर मंथ काटते हैं, वो ECS चार्ज रखता है जो कि मंथली कटती है EMI, वो वाला ECS चार्ज हो जाता है। जिसके बाद आ जाता है अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है आपको कितना मिल रहा है। अब अपने वो 10% में मैंने यहाँ पे रखा है क्योंकि राउंड फिगर अच्छा रहेगा करने में। तो 10% के हिसाब से आपको कितना पेमेंट आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1,50,000 का अपन ने लिया था यहाँ पर लोन अमाउंट, तो इसका 10% निकाला तो यहाँ पर बचता है 15,000 रुपये। तो अपना टोटल अमाउंट कितना हो जाता है, जो कि लोन हो जाता है एक तरीके से, तो लोन अमाउंट प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाता है, 1,50,000 प्लस 15,000, तो 1,65,000 अपना हो जाता है ये लोन अमाउंट टोटल ब्याज सहित। तो ब्याज सहित इनको EMI में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो EMI में कन्वर्ट करते हैं अपन, अपने को चाहिए 1 साल के लिए। अगर 1 साल के लिए चाहिए तो आप 12 महीने यूज़ करेंगे, 2 साल के लिए चाहिए तो यहाँ पर 2 साल यानी 2 का इंटू कर दीजिए, 30,000 हो जाएगा, और यहाँ पर 24 कर दीजिए तो ये 2 साल का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप 15 की जगह 30 करना पड़ेगा 2 साल के लिए, और यहाँ पर अगर 2 साल के लिए लेना तो यहाँ पर 24 कर दीजिए, तो इसका EMI कितना हो जाएगा पर मंथ का, 13,750 रुपये पर मंथ। अगर आप 24 के लिए करोगे तो ये रेट कम हो जाएगा थोड़ा, तो यहाँ पर 1 महीने का 13,000
750 रुपये पर मंथ आ जाएगा। तो आपकी जो बाइक है टोटल प्राइस कितनी हो जाएगी बाइक की, यहाँ पे हो जाएगी डीपी, डाउन पेमेंट, लोन अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट। 20,000 अपन ने डाउन पेमेंट किया था, इसके अंदर चार्ज मैंने काउंट नहीं किया है। लोन अमाउंट हो जाएगा 1,50,000 रुपये और RTO का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा यहाँ पर 15,000। तो आपका टोटल हो जाएगा 1,85,000 एक साल का अगर आप ये लोन लेते हैं तभी। तो आपकी बाइक पूरा टोटल अमाउंट पड़ेगा 1,85,000 में, आपकी बाइक आपके पास आ जाएगी। तो ये था पूरा प्रोसेस बाइक का, तो आप इसको इजीली समझे। अब पूरी डिटेल मैंने बता दी है, कुछ और कंडीशन हो सकती है बैंक की या फिर अपने शोरूम की, तो उसको आप जाके वहाँ पर जहाँ पे भी बैंक आप जहाँ पे भी आप लेना चाहते हैं, जहाँ जिस भी शोरूम में, जिस भी स्टेट में, तो वहाँ पर एक जाके विजिट कीजिएगा और कुछ और पेमेंट के बारे में आप जान सकते हैं। तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तो आप मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़ हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं डाउन पेमेंट, आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, लगभग 50,000 तक कीजिए। तो आपके जो आप अगर इतना आपकी एलिजिबिलिटी है दे सकते हैं तो आप ज़रूर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आप ध्यान रखिए, ऑफ़र हो कहीं ना कहीं बैंक में ऑफ़र चलते होते हैं, तो उस बैंक के साथ संपर्क कीजिए और कम से कम इंटरेस्ट पे लीजिए। ज़्यादा लेंगे तो जितने ज़्यादा बाइक बढ़ेगी, और हो सके तो केस में ही बाइक को लीजिए, तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। क्योंकि आप इस पे लेते हो तो उस पैसों को आप इन्वेस्ट कर सकते हो कहीं पे, तो अच्छा रहेगा। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते हो, पड़े पड़े क्या करेंगे, इससे अच्छा सीधे केस पे ले लीजिए। तो ये मेरी तरफ से कुछ था, तो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और मुझे लाइक चाहिए इस पे कम से कम 200, इस वीडियो पे 200 लाइक चाहिए मुझे। धन्यवाद, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।